हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो इसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि क्या है। ये बहुत गहरी बात है। बेटिंग लाइन में अगर आप हो तो इसको ज़रूर पढ़ना और समझना। अब करते हैं सीधे मुद्दे की बात, फोर्थ विकेट के बाद की पार्टनरशिप। आपसे बहुत से लोगों ने नोटिस भी नहीं किया होगा कि ये है क्या और ये क्या होता है। अक्सर T20 मैचों में क्या होता है ना कि ऊपर के विकेट सडनली जल्दी गिर जाते हैं, तो फिर फोर्थ विकेट के बाद एक पार्टनरशिप छोटी सी आती है। रेयर केस में नहीं आएगी, पर 10 में से 8 बार ये पार्टनरशिप आएंगी। नीचे के प्लेयर छोटी पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे ही करेंगे। ये एक स्ट्रेटजी है। अगर आप इस पे ध्यान दो, इस पे वर्क करो, एनालाइज करो खुद से। मेरे ऊपर मत करो ज़्यादा विश्वास कि मैंने बताया अपने मालिक। पहले मैं जो बोलता हूँ ना, वो आपको प्रैक्टिकली आप खुद करके देखो, फिर आप विश्वास करो। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो रोज़ रोज़ नई नई स्ट्रेटजी लाते हैं, 2 दिन उस पर वर्क करते हैं, फिर बोलते हैं ये मेरी स्ट्रेटजी है, इस पर आप खेलो। ऐसे कभी नहीं करना। अगर आपको जो कोई भी कुछ भी बताए तो पहले उसको खुद प्रैक्टिस करो, खुद अपने ऊपर आजमाओ, खुद देखो, फिर उस पर जाके कहीं पैसे इन्वेस्ट करो। सीधे ही पैसे इन्वेस्ट मत करो। फोर्थ विकेट पार्टनरशिप आती है सडनली ऊपर के विकेट आउट होने के बाद भी आती है, स्लो विकेट गिरने के बाद भी आती है। फोर्थ विकेट के बाद पार्टनरशिप छोटी सी लगती ही लगती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि फोर्थ विकेट के बाद पार्टनरशिप लगती है तो मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। इसमें आप ही का फ़ायदा है, हर एक पंटर का फ़ायदा जो हार चुका है, जिसको खेलना नहीं आता और जो पैसे कमाने चाहता है पर जिसको समझ नहीं। पंटर की वही हालत जो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, दिमाग को ताला मार के उसने चाबी कहीं फेंक दी है। और मेरा मोटिव यही है कि वो चाबी कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाऊं और आप सबके ब्रेन खोल दूं। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इन पर कोई ध्यान नहीं देता और आप इसी से ही पैसे कमा सकते हो। अगर बुकी को बीट करना है तो ऐसी ही स्ट्रेटजी आपको निकालनी पड़ेगी, अपने दिमाग को तेज करना पड़ेगा, एक स्टेप आपको आगे चलना ही पड़ेगा। फोर्थ विकेट पार्टनरशिप क्या बोलोगे आप कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। फोर्थ विकेट के बाद पार्टनरशिप आ गई, ऊपर के विकेट तो सडनली 3 नॉट हो गई, मैं तो ना तो विकेट खोल ले पाया ना मैं सेशन का कुछ कर पाया, तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। ये सोच रहे हैं ना आप। इसमें आपको फ़ायदा ये है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप, अगर ऊपर के विकेट सडनली गिर गए 10 रन करके 5 रन करके 10 रन की पार्टनरशिप करके, तो आपको पता होगा कि अब एक छोटी सी पार्टनरशिप आने वाली है फोर्थ विकेट के बाद। और आपको पता कैसे चलेगा, कुछ लोगों के ये भी सवाल होंगे, मुझे पता कैसे चलेंगे पार्टनरशिप कितनी बड़ी आएंगी, हो सकता है 10 रन के 20 रन के, मुझे क्या पता कितने। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली जाके जहाँ पे भी आप स्कोर चेक करते हो, आपके पास कोई भी एप्लीकेशन होगा, क्रिक बजों कुछ भी होगा, वहाँ जाके आपको खाली इतना सर्च करना है कि ऊपर के जो प्लेयर आउट हुए हैं उनके बीच में कितनी पार्टनरशिप आई, 10 रन की 20 रन की 25 रन की। तो जो फोर्थ विकेट की पार्टनरशिप आएंगी ना, ये उतनी ही आएंगी, उसके आजू बाजू ही आएंगी। 25 की पहले पार्टनरशिप हो चुकी है तो 20, 22, 30, 32 इतनी पार्टनरशिप भी जरूर आएंगी। उससे आपको आइडिया ये मिलेगा कि उसके बाद अगर आप जो कुछ करना चाहते हो, आप सेशन करना चाहते हो, विकेट नोट करना चाहते हो, या पर बॉल सेशन करना चाहते हो, या पर ओवर रन नोट करना चाहते हो, आप जो कुछ भी करना चाहते हो ना, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और मैं बार बार यही बोलता हूँ कि मैं नहीं बताऊँगा आपको कैसे खेलना। सबके खेलने का अपना एक पैटर्न होता है, अपना एक तरीका होता है, आप उस हिसाब से इसको अप्लाई करो। जिस वक्त जिस जहाँ पे आपके पैटर्न में ये स्ट्रेटजी फिट बैठ जाए, बस उसी से इसको वर्क में लेना स्टार्ट कर देना। ज़्यादा पैसे तो नहीं कमा पाओगे, क्योंकि एक दिन में करोड़पति कोई नहीं बनता, ना ही लखपति बनता। मैं तो ये बोलता हूँ कि 1 मिनट में कोई 10,000 भी नहीं कमा सकता, ये लाइन समझ रहे। पर आप ये स्ट्रेटजी पे काम करोगे ना तो आप प्लस हो जाओगे, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत प्लस हो जाओगे। और मेरा मकसद ये है, ये स्ट्रेटजी आपको बताने का, कि जब जब आप स्ट्रेटजी काम में लोगे ना, तो आपको अपना ब्रेन यूज में लेना ही पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और अगर आपको एक बार ये कैलकुलेशन करने की आदत लग गई, तो फिर आपको बीट करने वाला कोई नहीं। आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपको वो दिखने लगेगा जो और लोगों को नहीं दिखता मैच में। जब आप अपनी आईडी खोलोगे, उसके अंदर फैनशिया चलती रहती है, बहुत से लोगों को तो समझ भी नहीं आता कि वो क्या चल रहा है। पर जब आप इस स्ट्रेटजी यूज में लेने लगोगे, अपने ब्रेन को काम में लेने लगोगे, आप खुद से एनालाइज करने लगोगे, आप खुद से गणित लगाने लगोगे,
तब आपको समझ आएगा कि वो क्या चल रहा है। आप एक नज़र में पता लगा लोगे कि ये क्या चल रहा है, मुझे क्या करना है। फोर्थ विकेट पार्टनरशिप का है ये, इस पर देखो, काम करो, खुद से एनालाइज़ करो। मैं ये नहीं बोलता है कि आप डायरेक्ट ही जाके बैट करो। एक मैच, दो मैच, पाँच मैच, दस मैच, जितना प्रैक्टिस करते हो उतनी कम है। देखो लाइव मैच में, देखो अपने से, देखो कि फोर्थ विकेट पार्टनरशिप से पहले क्या हुआ था, सेशंस क्या था उस वक्त, विकेट नोट के रन कितने दे रहा था, लंबी कितनी थी, पार्टनरशिप के बाद क्या फ़र्क पड़ा, पार्टनरशिप ब्रेक होने के बाद मैच में क्या हुआ, ये सब चीज़ें आप समझो, काम आएगा आपका। ये स्ट्रेटजी मेरी है और किसी और की भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि दुनिया में ना एक रूल है, आपके दिमाग में जो आइडिया ना वो सेम टाइम वही आइडिया किसी दूसरे के दिमाग में भी होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे आइडिया किसी और के दिमाग में भी आइडिया चल रहा हो सकता है, मैंने आपको बता दिया, वो किसी ने बताया नहीं होगा। तो एक बार आप इस स्ट्रेटजी पे वर्क करके जरूर देखो। थैंक यू, वीडियो लंबा हो रहा, थैंक यू।